चटोरी सास और बहू और सहनशील पति पार्ट 4 रीकैप। पिछली कहानी में हमने देखा कि अन्नदान के कार्यक्रम में किस तरह सास और बहू मिलकर सारा खाना खा जाती हैं और घर पहुंचकर भी बाप बेटे द्वारा मंगाया हुआ बिरयानी भी पूरा चट कर जाती हैं, जिससे बाप बेटे भूखे रह जाते हैं। जब पड़ोस के कनकम की मुर्गी इनके घर आ जाती है तो उसे पकड़कर, उसे काटकर, उसे पकाकर खाने लगते हैं। और जब कनकम अपनी मुर्गी को ढूंढते हुए उनके घर आती है तो उसकी मुर्गी उसी को खिलाने की बात करते हैं। अपनी मुर्गी को ढूंढते ढूंढते दूसरे की मुर्गी को खाना मेरा मन मान नहीं रहा। इस तरह वो बोल रही थी तो शिवा मन में सोचता है, बेचारी कनकम, वो मुर्गी तेरी ही है, ये बात अगर तुझे पता चल गई। इस तरह वो मन में सोच रहा था, अरे कुछ नहीं होगा, चलो खाओ। ऐसा बोलकर एक प्लेट लगाकर उसमें थोड़ा चावल और सब्जी डालते हैं। कनकम थोड़ा थोड़ा खाने लगी। अरे चाची, बताओ सब्जी कैसे बनी है? पता नहीं तुम लोगों ने इस मुर्गी को कहाँ खरीदा है। लगता है उस बेचने वाले ने इस मुर्गी को बड़े प्यार से संभाला है। सब्जी एकदम स्वादिष्ट बनी है। इस तरह वो बोल रहे थे तो शिवा दंग होकर, उसी की मुर्गी पकड़कर उसी को पकाकर खिला रहे हो, तुम लोग साधारण लोग नहीं हो। इस तरह सोचते हुए वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह सास बहू ने मिलकर कनकम के ही मुर्गी को पकाकर कनकम को ही खिला डाला। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाप बेटे घर के आंगन में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। पिताजी, हम दोनों संन्यास ले लेते हैं, दूर हिमालय में जाकर पूजा पाठ करते हुए दिन बिता लेंगे, क्या बोलते हो पिताजी? इस तरह शिवा पूछ रहा था तो बंगारी अपने ही मन में कुछ सोचे जा रहा था। ये देखकर शिवा बोला, अरे ये सब क्या है पिताजी, मैं कब से बोले जा रहा हूँ, आप तो कुछ जवाब ही नहीं देते पिताजी। अरे ओ पिताजी, इस तरह शिवा ने बुलाया लेकिन बंगारी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में शिवा, अरे पिताजी के तो कान खराब है, लगता है मुझे भूलने की बीमारी लग गई है। इस तरह सोचकर उसने बंगारी के कंधे पे हाथ रखा और उसे जोर से हिलाया। तब बंगारी बोला, हाँ बेटा, इस औरत के साथ जिंदगी बिताते हुए भूखे रहने से तो अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं, क्या कहते हो बेटा? उसने कहा। ये बात सुनकर शिवा दंग रह गया। अरे पिताजी, मैंने भी तो यही कहा था ना। इस तरह शिवा बोल रहा था कि पड़ोस के भाग्यम के घर में कुछ हलचल हो रही थी। ये देखकर शिवा बोला, अरे पिताजी, इन भाग्यम के घर में कोई फंक्शन हो रहा है क्या? इस तरह बोलकर वो अपने पिता की तरफ देखता रहता है कि कोई जवाब आएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बंगारी बोला, बेटा शिवा, ये भाग्यम घर में कोई फंक्शन कर रही है क्या? घर के आंगन में टेंट लगा रहे हैं। इस तरह उसने पूछा। ये बात सुनकर शिवा दंग रह जाता है। अरे पिताजी, जो सवाल मैं करता हूँ वही सवाल आप उल्टा मुझसे करते हो, छी छी। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि तभी भाग्यम इनके पास आकर, भाई साहब, आज रात मेरे पोते का जन्मदिन है, आप सबको आकर वही खाना खाकर मेरे पोते को आशीर्वाद देना होगा। हाँ जरूर आएंगे, आप भाभी जी को भी लेकर आइए। ये बात सुनकर बाप बेटे दोनों दंग रह जाते हैं। अगर वो आपके घर आएंगी तो आपके घर में खाना बिल्कुल नहीं बचेगा। इस तरह वो मन में सोच रहा था तो इतने में बंगारी बोला, अरे रे, आपकी भाभी गांव में नहीं है। इस तरह वो बस बोल ही रहा था कि सीतालू आके दहलीज पर खड़ी हो जाती है। अच्छा, कहाँ गई है? उसने कहा। ये बात सुनते ही बाप बेटे दोनों डर जाते हैं। अरे पिताजी, लगता है माँ वापस आ गई। लगता है तुम्हारी भाभी वापस आ गई भाग्यम, रात को तुम्हारे घर फंक्शन पर जरूर आएगी, तुम जाओ। ठीक है भाई साहब, ऐसा बोलकर भाग्यम चली जाती है। उसके जाते ही सीतालू बोली, आप चलिए अंदर। इस तरह बोलते हुए अंदर जाती है। तब बंगारी अपने बेटे से बोलता है, बेटा शिवा, मैं जरा खेतों तक होकर आता हूँ, तुम्हारी माँ बुला रही है, जा पूछ के आ क्या बात है। इस तरह बोलकर बंगारी उठकर जाने लगा तो डर के मारे शिवा, अरे पिताजी मैं भी आता हूँ, रुक जाइए। इस तरह दोनों खेतों में चले जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो गई। सास बहू दोनों अच्छे से तैयार हो जाती हैं। बहू तुलसी, चलो चलो। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ सासू माँ, पड़ोसियों के खाने की खुशबू जब मेरे नाक तक पहुँची ना, मैं उसी वक्त तैयार हो गई थी। शाबाश मेरी बहू रानी, चलो चलो। इस तरह
तरह दोनों भाग्यम के घर पहुंचते हैं। वहां पार्टी पे बहुत सारे लोग आते हैं। सास बहू बिना किसी से मिले सीधे खाना परोसने की जगह पहुंच जाते हैं। वहां खड़े सप्लायर के पास जाकर, देखो भैया हमारे लिए खाना परोसो। इतनी जल्दी नहीं, अभी भी बहुत टाइम है। अरे भाई बड़ी भूख लगी है, परोसो ना खाना। खाने के लिए भी कोई वक्त देखता है क्या? नहीं मैडम। इस तरह वो बोल रहा था तो तुलसी, सासू माँ वहाँ देखिए आइसक्रीम दे रहे हैं, चलिए पहले वहाँ जाकर खाते हैं। ठीक है बहू चलते हैं। इस तरह बोलकर दोनों आइसक्रीम वाले के पास पहुँचते हैं। देखते ही देखते दोनों सारा आइसक्रीम खा जाते हैं। इतने में खाना भी शुरू हो गया। सास बहू दोनों सबसे पहले पहुँचकर अपने अपने प्लेट भरकर साइड में जाकर खाना शुरू करते हैं। सासू माँ ये चिकन एकदम बढ़िया है, एक और बार परोसे क्या? अरे बहू सिर्फ चिकन ही नहीं सारी सब्जियां लाजवाब हैं। जल्दी जल्दी खा ले, एक और बार जाएंगे। इस तरह सोचते हुए दोनों फटाफट खाने लगे। वहीं थोड़ी दूर से सास बहू को देख रहा शिवा, अरे वाह देखो तो किस तरह खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं जैसे साल भर से भूखे हों। इस तरह वो मन में सोच रहा था। सास बहू ने पहली बार परोसा हुआ सारा खाना खाकर दूसरी बार फिर से लाइन में लग जाते हैं। बेचारा सप्लायर उन्हें परोसते ही जा रहा था और ये दोनों खाते ही जा रहे थे। देखते ही देखते दोनों ने पार्टी के लिए बनाई हुई सारे फूड आइटम्स खा जाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही भाग्यम सप्लायर के पास आकर, भैया देखिए सबके लिए खाना अच्छे से परोसना। लेकिन मैडम परोसने के लिए पहले खाना तो होना चाहिए ना? इस तरह सप्लायर ने कहा। ये बात सुनकर भाग्यम दंग रह जाती है। क्या कहा, पकाया सारा खाना खत्म हो गया? मैंने 100 लोगों के लिए खाना बनवाया था लेकिन अभी तक तो 10 लोगों ने भी नहीं खाया है। वो दरअसल पकाया हुआ सारा खाना 2 लोगों ने ही खा लिया है। क्या 2 लोगों ने? हाँ मैडम सिर्फ 2 लोगों ने। तुम बकवास मत करो, 100 लोगों का खाना 2 लोग कैसे खा सकते हैं? मैंने सोचा था तुम्हारा होटल सबसे अच्छा है और तुम्हें ऑर्डर दिया, ये सलीका दे रहे हो मुझे? मैं तुम लोगों को 1 पैसा नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। इस तरह उन्हें डांटकर भाग्यम चली जाती है। लेकिन सप्लायर उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, मैडम मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, सारा खाना सिर्फ 2 लोगों ने ही खा लिया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। लेकिन सप्लायर की बात बिल्कुल नहीं सुनती है भाग्यम और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर सहमे हुए सप्लायर के पास शिवा पहुँचता है। ओ भैया तुम्हें कितने पैसे आने हैं? पूरे 25,000 होते हैं सर। ठीक है वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा, उन पैसों को लेकर यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलकर अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे दे देता है। उन पैसों को लेकर सप्लायर बोला, ये पैसे आप क्यों दे रहे हैं सर? ये सब जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए, अब जाओ यहाँ से। इस तरह बोलकर सप्लायर को भेज देता है। शिवा के पीछे उसका पिता बंगाली भी था। वो अपने बेटे के पास आकर, क्या बात है बेटा तूने उसे पैसे क्यों दिए? पिताजी हमारी ही वजह से उन्हें इतना नुकसान हुआ है ना, इसीलिए मैंने उन्हें पैसे दिए। इस तरह तू कब से दे रहा है बेटा? मैं पहले से देता ही आ रहा हूँ पिताजी, वो दोनों जहाँ जहाँ खाकर यहाँ वापस आ जाती है वहाँ वहाँ जाकर मैं उन्हें पैसे देता हूँ, शिवा ने कहा। अपने बेटे की बात सुनकर बंगाली को बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन यहाँ सास बहू, सासू माँ कल गांव में किसी की शादी है, इसका मतलब कल भी हमें बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। इस तरह सोचते हुए दोनों खुश होने लगे। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।